Hello dear friends, how are you all? Dear friends, आप सब लोग कैसे हो? I hope you enjoy your vacation. मुझे आशा है कि आप सब ने अपना जो वैकेशन है वो बहुत enjoy किया होगा. First of all, congratulations to all of you for past class 7. पहले तो मैं आप सब लोगों को अभिनंदन देना चाहती हूँ कि आप सब 7 इंग्लिश मीडियम पास करके 8 इंग्लिश मीडियम में आए हो. दिस ईयर वी हैव कंप्लीट टोटली कंप्लीट न्यू बुक, टोटली डिफरेंट एंड फनी बुक. इस साल हम एकदम नई बुक और वो भी कंप्लीटली अलग टाइप की और एकदम फनी बुक की पढ़ाई करने जा रहे हैं. इन दिस यूनिट, इन दिस ईयर स्टैंडर्ड 8, वी हैव टोटल 6 चैप्टर. इस बुक में हमारे पास टोटल 6 चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर का नाम है लैंडस्केप, सेकंड चैप्टर का नाम है मैन्स रिलेशनशिप विद एनिमल्स, फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी इज अवर थर्ड चैप्टर, एंड दी फोर्थ चैप्टर नेम इज एजुकेटर, एंड दी फाइव चैप्टर नेम इज दी टाइगर स्लोथ, and the sixth chapter name is Tornado Fairs. These all chapters are divided into different activities. ये सारे जो chapter है, 6, 1 to 6 chapter है, वो divided हुए है different types की activity में. So we have to complete those activities. तो हमें ये 6 chapter की जो activity है उनको complete करना है और आपको कंप्लीट करने में मजा भी आएगा. नाउ आई विल स्टार्ट चैप्टर 1, दैट इज आवर लैंडस्केप. आज मैं लैंडस्केप के बारे में आपको बताना चाहती हूँ. हमारे पहले यूनिट का नाम है लैंडस्केप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय लैंडस्केप? पहले तो हम लैंडस्केप के बारे में थोड़ा जानेंगे. तो शैल वी स्टार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट यूनिट नेम इज लैंडस्केप. अब व्हाट डू यू मीन बाय लैंडस्केप? लैंडस्केप का मीनिंग क्या है? तो इधर आप देख सकते हो कि लैंडस्केप इज द पिक्चर और पेंटिंग ऑफ पर्टिकुलर लैंड एरिया. यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये लैंडस्केप क्या है. लैंडस्केप इज अ पिक्चर और पेंटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर, जो लैंड एरिया होते हैं, लैंड एरिया में हमें डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रीन स्कैन एरिया होती है, लैंड होते हैं, अलग अलग टाइप्स की ज़मीनें होती है, ग्रीन विला होते हैं, माउंटेन्स मीन पहाड़ों होते हैं, स्ट्रीम एंड रिवर्स आर ऑल्सो देयर, उनका समावेश होता है. तो यहाँ पे लैंडस्केप, लैंडस्केप में मीन्स लैंड एरिया की एक पेंटिंग होती है, उसका डिस्क्राइबेशन इस यूनिट में किया गया है. लैंडस्केप इज द पिक्चर और पेंटिंग ऑफ पर्टिकुलर लैंड एरिया, नॉट ओनली सिटी बट आउटर एरिया लाइक विलेजेस, माउंटेन्स, रिवर, स्ट्रीम लाइक दिस. यहाँ पे ये लैंडस्केप में नॉट ओनली मीन्स ओनली सिटी, सिटी में शहर का नहीं बल्कि विलेजेस, छोटे छोटे गांव का भी जिक्र किया गया है, जिसमें माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत, स्ट्रीम मीन्स झरने, रिवर मीन्स नदियों का भी समावेश किया गया है. इन अवर कंट्री लाइक इंडिया वी हैव मोस्ट इम्पोर्टेंट और बिग माउंटेन्स आर देयर, रिवर्स आर देयर, स्ट्रीम्स आर देयर, विलेजेस आर देयर एंड सिटी आर देयर. दिस इज अवर लैंडस्केप, लैंड एरिया टाइप. सेकेंडली डेफिनेशन ऑफ लैंडस्केप. यहाँ पे हमारे जो फेमस आर्टिस्ट और पेंटर है, उन्होंने आर्टिस्टिक फॉर्म में हमें ये एक डेफिनेशन दी गई है लैंडस्केप की, कि हम आर्टिस्टिक फॉर्म में लैंडस्केप को क्या कहेंगे. यहाँ पे देखो, इन आर्टिस्टिक फॉर्म में लैंडस्केप को हम क्या कहेंगे? अ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग एन एरिया ऑफ कंट्री साइड. यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग, जो पिक्चर क्या प्रेजेंट करेगा?
अलग अलग टाइप की जमीनें और स्कैनरी, बहुत अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल वो जमीनें होती है उसके बारे में कहा गया है। तो कंट्रीसाइड का मीनिंग होता है जी लैंड एंड स्कैनरी ऑफ द रूरल एरिया, जहाँ पे छोटे छोटे गांव का जिक्र होगा, विलेज विलोज विलेज सिटी स्ट्रीम्स रिवर माउंटेन्स आर ऑल्सो देयर, इन सब की एक पेंटिंग और चित्र का वर्णन किया जाएगा इस यूनिट में, उसको हम लैंडस्केप का नाम देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा यूनिट वन का इंट्रोडक्शन। मैं आपको अगले लेक्चर में यूनिट वन की एक्टिविटी वन पढ़ाऊंगी, तो मुझे आशा है कि आप सब उसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।